शंकर पार्वती के कोई संतान नहीं हुई। विचार किया क्या करें, बड़े ब्राह्मणों को ऋषियों को इकट्ठा किया, उन्होंने कहा शंकर भगवान एक साल का एक व्रत होता है पुण्यक, आप पुण्यक व्रत कीजिए और इसमें हजारों ब्राह्मण हवन करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कोई बढ़िया यज्ञाचार्य। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, शिव और पार्वती यज्ञ कराएंगे, 33 कोटि देवता यज्ञ में पधारेंगे, आचार्य किसको बनाया जाए। उन दिनों ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनका वर्णन किया गया। सनत कुमार जी ने शिवा को प्रणाम किया, माँ मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका ये यज्ञ कराऊंगा। शिव पार्वती ने दुनिया के सारे तीर्थों का जल मंगाकर स्नान किया और उसके बाद एक विशाल यज्ञ प्रकट हुआ, लाखों लाखों ब्राह्मण थे उस यज्ञ में, बड़ी व्यवस्था हुई। अन्नपूर्णा माँ के घर में व्यवस्था की तो कोई कमी होती नहीं, एक साल तक जोरदार यज्ञ हुआ, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। तब भगवान शंकर पार्वती यज्ञ कराने वाले सनत कुमार जी के पास आए और बोले महाराज आपने बहुत बड़ा बढ़िया यज्ञ कराया, आप कुछ मन चाही दक्षिणा मांग ले। सनत कुमार जी पहला तो कि मैं ब्रह्मा का बेटा होने का सौभाग्य मिला कि मैंने इसका यज्ञ कराया, माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमारे माता पिता हो ये ठीक है। पर पार्वती बोली तुम अन्नपूर्णा के घर में यज्ञ कराने आए हो, जो चाहो मांग लो। शरद कुमार जी ने फिर कहा माँ सब कुछ मिल गया। माँ ने कहा सनत कुमार लगता है तुम ये समझते हो कि हमारे पास अब और कुछ नहीं है। सनत कुमार जी ने कहा मां जब ऐसी बात है तो मैं मांग लेता हूं। गणेश पुराण में क्या मांगा सनत कुमार जी ने, यह मांगा कि शंकर भगवान हमको दे दीजिए बस, क्योंकि हम बड़े बड़े यज्ञ कराते हैं तो एक चेला चाहिए सामग्री उठाने के लिए। आप तो पार्वती जी सुनते मूर्छित हो गए। ब्रह्मा जी आए, बहुत समझाया सनत कुमार जी आप, और सनत कुमार जी ने कहा जब मांगना ही है तो शिव से छोटी चीज क्या मांगी जाएगी। भगवान विष्णु ने आकर समझाया, सनत कुमार जी टस से मस नहीं हुए। तब पार्वती मैया ने मुरली बजाने वाले मुरली मनोहर कृष्ण को याद किया, हे कृष्ण, हे कृष्ण, यदि ये मेरे पति को ही लेकर चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, चीज है तो एक गौ माता है, एक गाय दे दीजिए हमको, ईश्वर को ले लो चाहे गाय को ले लो बराबर होता है।